हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैव विविधता के बारे में, यानी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का जो समूह होता है यह जैव विविधता कहलाता है। यानी जैव विविधता शब्द का मतलब ही है कि एक स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रजाति के पौधे, अलग अलग स्पीसीज जीव जंतुओं की जब साथ में रहती है तो यह जैव विविधता कहलाती है। हर वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ताकि जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को संरक्षित किया जा सके। बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी अलग अलग स्पीसीज आ जाती है, और एनिमल्स जो होते हैं उनकी अलग अलग स्पीसीज इसके अंतर्गत आती है। बायोडाइवर्सिटी जैसे फिशेस की ही, एक ही फिश की जो है अलग अलग स्पीसीज हो सकती है, एक ही प्लांट्स की जो है वो अलग अलग जो है स्पीसीज हो सकती है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहली है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरी है स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरी है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स या एनिमल जिनके डीएनए के अंदर जो है वो डिफरेंस पाया जाता है, यानी जिनमें अलग अलग प्रकार का जो है डीएनए पाया जाता है इंडिविजुअल्स के अंदर में, जबकि स्पीसीज जो डाइवर्सिटी होती है उसमें एक गिवन एरिया में जो स्पीसीज पाई जाती है उनकी अलग अलग जो वैरायटी होती है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज। यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंदर जो है वो अलग अलग हैबिटेट्स, इकोसिस्टम और कम्युनिटीज आ जाती है। ये तीनों ही जो डाइवर्सिटी है ये एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी स्पीसीज डाइवर्सिटी से कनेक्ट है, स्पीसीज डाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी से कनेक्ट है। इस प्रकार ये तीनों ही जो डाइवर्सिटी है वो कनेक्ट रहती है। इंडिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं वो मेनली चार है। पहला है द हिमालयन रीजन, दूसरा है इंडो बर्मा रीजन जो नॉर्थ ईस्ट में है, और तीसरा है वेस्टर्न घाट, और चौथा है निकोबार वाला रीजन। ये चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, जहाँ जो है बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी जीव जंतु और पेड़ पौधों की जो है वो अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। एनिमल्स और प्लांट्स इन सब की अलग अलग यहाँ पे जो स्पीसीज पाई जाती है उसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।